हेलो एवरीवन, कैसे हो? जो भी बच्चे मेरा ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनसे मेरा पहला और आखिरी रिक्वेस्ट है कि मैंने जितना भी वीडियो लेक्चर बनाया है उन सब का एम है कि मैं आपके सोचने का तरीका चेंज कर सकूं। क्यों? क्योंकि जब आप सोचना चेंज करोगे तभी आपका क्वेश्चन बहुत ईजीली बनेगा। क्योंकि बेटा, हम लोग अच्छे से जानते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम हर क्वेश्चन को कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करें, राइट? तो कैसे अल्टरनेट वे में सोचना है, कैसे क्वेश्चन को एग्ज़ाम में करना होता है, ऑप्शन से कैसे जाना है, वो सारे तरीका, वो सारे मेथड मैं आपको देने जा रहा हूँ। जिस दिन आप रफ़ी सर की तरह थिंक करना शुरू कर दिए उस दिन से आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली बनेगा और आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसको बहुत ईजिली करेक्ट कर लोगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 बेसिक पॉइंट लिखा है जो यू ऑलरेडी नो, जस्ट मैं उसको समराइज कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसका सबसे पहला फंडा है कि आप क्या करेंगे, नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर करके आप एकदम डायग्राम क्लीन ड्रॉ करेंगे, फिर बेसिक अप्लाई करेंगे जो आप जानते हो 9th, 10th, 11th के जो भी बेसिक जानते हो वो अप्लाई करना है एंड ऑप्शन से जाना है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं थिंक करना भी आपको बताऊंगा। दूसरा, वी ऑलरेडी नो कि जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये c क्या बताता है, y इंटरसेप्ट, y पे कहाँ पे कट कर रहा है, राइट। m क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ध्यान रहे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाया x एक्सिस से, वो स्लोप होता है, राइट। सिमिलरली डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, यू नो x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। तो ये a और b क्या होता है, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। या फिर अगर कोई लाइन किसी पॉइंट x1, y1 से जा रहे हो और स्लोप m हो तो हम इस तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं। वी ऑलरेडी नो यहाँ पे जो स्लोप m है उसी को बोलते हैं tan थीटा, और अगर हमें कोऑर्डिनेट मालूम है तो y2 - y1 y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होता है, राइट। इतना सब जानते हैं, जस्ट मैं समराइज कर रहा हूँ। तीसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई लाइन अगर आपको गिवन हो और कोई पॉइंट का उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो उस पॉइंट को लाइन में पुट कर देना है, ऊपर में मॉड आ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, और नीचे में जो एक्स और वाई का कोफिशियंट होंगे उसका अंडर रूट स्क्वायर कर देना है। बात समझ में आ गई? वैसे ही अगर दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो डेट्स वेरी सिंपल, जो दो कांस्टेंट टर्म होंगे उनका डिफरेंस आ जाएगा ऊपर में, अगेन मोड लगा दिया क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और नीचे में अगेन एक्स और वाई के कोफिशियंट के स्क्वायर का सम कर देना और स्क्वायर रूट लगा देना, राइट। ध्यान रहे कि ए और बी दोनों लाइन का सेम करना पड़ेगा आपको, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, वी ऑलरेडी नो कि अगर कोई लाइन कॉन्करेंट है या फिर कोई पॉइंट कंकरेंट है तो स्लोप इक्वल कर देना है, अगर लाइन अगर कंकरेंट है तो फिर उनका डिटरमिनेंट को जीरो कर देना, राइट। और फिफ्थ पॉइंट अगेन कि अगर आपको दो पॉइंट मालूम है और कोई तीसरा पॉइंट अगर इस लेंथ को m इज टू n रेशियो में अगर कट कर रहा है तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सिंपल n वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता, राइट। n वाला इसमें और m वाला इसमें, ऊपर में प्लस और नीचे में m प्लस n करना है, राइट। ये इंटरनल कट करेगा तो एक्सटर्नल कट करता है तो कैसे करते हैं, सिर्फ बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, राइट। तो ये इतना बेसिक है, अब मैं आपको 10 प्रॉब्लम लेकर के बताता हूँ कि कैसे थिंक करना है। अभी मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन आइदर मेंस में या सीईटी में या एडवांस में आए हुए क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मेरा मेन एम है आपको सोचने का तरीका बताना। जैसे ये क्वेश्चन में पी क्यू आर के पॉइंट गिवन है, आपको इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर बताना है। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो बेटा कैसे रफ़ी सर की तरह थिंक करना है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप क्या करेंगे, उस पॉइंट को लोकेट कर लेंगे। पहला पॉइंट आपका कहाँ है, -3, 0 यहाँ पे होगा, राइट, क्विकली कर लेना है। दूसरा पॉइंट 0, 0 यहाँ पे है, राइट। तीसरा पॉइंट 3, √3 तो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो ये आपका P था, ये Q था, ये R था, ये अपने आप सब समझ में आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप ध्यान से देखें तो ये 3√3 था वाई एक्सिस में, राइट, और ये वाला 3 था, तो ये एंगल मिल चुका आपको, राइट। डायरेक्ट कैसे, टैन थीटा क्या हो जाएगा, 3√3/3 तो डेट इज √3, डेट इज 60 डिग्री। ये एंगल 60 है तो आप जानते हो टोटल एंगल कितना बनेगा, 180, तो ये कितना हो जाएगा, 120।
आपको किसका इक्वेशन निकालना है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, इसके बाइसेक्ट, तो इसको बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे राइट, तो 120 का हाफ कितना हो जाएगा 60, तो ये एंगल हो गया 60। तो ये लाइन की इक्वेशन बताना, ये लाइन ओरिजिन से पास करा राइट, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स टाइप होगा, सिर्फ हमें स्लोप निकालना है। स्लोप देखो आ चुका है, इस लाइन का पॉजिटिव एक्सिस से स्लोप कितना हो गया 60 + 60 120, यू नो टेन 120 डिग्री कितना होता है माइनस में √3, तो इक्वेशन आ चुका है वाई इक्वल टू माइनस √3x, या इसको ऐसे लिख सकते हैं √3x + y = 0, डेट इज ऑप्शन सी। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रायंगल ABC में जो एंगल है वो AP में है, लेंथ ऑफ टू लार्जर साइड आपको गिवन था, लेंथ ऑफ थर्ड साइड बताना है। तो अगर किसी ट्रायंगल में एंगल अगर AP में है तो यू नो कि इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वाई डिफरेंस इन दोनों के बीच आना चाहिए, AP का ये मतलब होता है। तो वी कैन से कि एंगल ए अगर मैं 30 लेता हूँ तो एंगल बी 60 और एंगल सी 90 ले सकता हूँ, ये AP में है राइट। अपने को बस बेटा जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करके सोचना है राइट। तो ये एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल हो गया राइट, ड्रॉ कर दो आप। अब लार्जर साइड, तो यू नो हाइपोटेनस होता है, तो ये 10 है ये 9 है, तो ये पूछा है तो राइट, ये लेंथ क्या होगा तो आपको मालूम है √10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस 9 का स्क्वायर तो 81, डेट इज √19 हो गया राइट। तो अगर ये 16 होता तो 4 point something होगा। अब ऑप्शन चेक करो, यू नो √5 अगर 4 होता तो 2 होता, 2 - 1 इससे कम है नहीं होगा, √5 राइट, 2 + 1 = 3, 4 तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये भी नहीं होगा, √6 कितना भी करोगे तो ये 4 तक नहीं पहुंच पाएगा, ये नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि एग्ज़ाम में आपको पूरा कैलकुलेशन कर करके आंसर निकालने से मतलब नहीं है, उससे नोबल प्राइज़ नहीं मिलेगा, बस कौन सा ऑप्शन होगा वो भले क्या हो रहा है उसको छोड़ देना है राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर ए एंड बी। तो अगेन आप एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इंटरसेप्ट एक्सिस पे कितना है ए एंड बी, डैट मीन्स ये इस टाइप की कंडीशन, ये हो गया ए इंटरसेप्ट एक्सिस पे और ये बी इंटरसेप्ट, तो आपको इसका इक्वेशन बताया है x/a + y/b = 1 राइट। आप क्या कह रहा है कि ओरिजिन से इस पे क्या किया गया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, इसका लेंथ पी है राइट। तो अभी आपको बताया था किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट को लाइन में पुट कर देना है, तो इसको इधर ले आओगे राइट, तो 0/a 0 हो जाएगा, ये भी 0 इधर आएगा, तो ये -1 मॉड लेना है राइट, तो 1 हो जाएगा, डायरेक्ट में कर देना √ इसके कॉफिशेंट का क्या करना था स्क्वायर करना था, तो 1/a का स्क्वायर 1/a स्क्वायर और 1/b स्क्वायर रूट लेना था राइट। ये किसके बराबर है, पी के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है कि 1/a स्क्वायर और 1/b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, आप पहले दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं ये वैल्यू किसके बराबर है, 1/p स्क्वायर, सो ऑप्शन विल बी सी। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में PS इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेज PQR का गिवन था, तो आपको इंटरसेप्ट बताना है ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1 एंड पैरेलल टू PS राइट। तो देखो कैसे करते हैं, वेरी सिंपल, अगेन आपको मालूम है कि सबसे पहले एक क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो, पॉइंट P कहाँ है 2, 2, तो यहाँ पे होगा राइट P 2, 2, क्यू कहाँ पे 6, -1, 6, -1 यहाँ पे होगा राइट, ये क्यू है 6, -1, R 7, 3 कहाँ पे होगा यहाँ पे राइट R 7, 3। देखो क्विकली मैं आपको बता दिया, उसके बाद आप मैच कर दो तो आपको ये ट्रायंगल मिल चुका है। PS इज़ द मीडियन, तो मीडियन आपको मालूम है कि ये वाला जो लेंथ है इसको इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा, तो ये S हो गया, S के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल सकते हैं, 7 + 6 = 13/2 हो जाएगा राइट, और 3 + और ये माइनस हो गया राइट, तो 3 - 1 तो ये बाई 2 तो ये 1, तो ये कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। आपको क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है 1, -1 यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, इससे एक लाइन पास करिए जो इसके पैरेलल होनी चाहिए, ध्यान से देखो इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो ध्यान से देखो ड्रॉ कर दिया, तो ये बात तो क्लियर हो गया कि ये 1, -1 से जाने वाली जो लाइन है जो पैरेलल टू PS है उसका दोनों ही इंटरसेप्ट क्या आने वाला है, निगेटिव, क्योंकि ये निगेटिव y है ये निगेटिव x है,
तो आंसर या तो सी होगा या डी होगा। देखो बेटा इतना सोचना पड़ेगा, इसलिए ये दो ऑप्शन गए। और यहाँ पे चूंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये बात भी क्लियर है कि कुछ ना कुछ फ्रैक्शन आएगा, इसलिए ऑप्शन सी होगा। अगर आपको वो निकालना ही है तो फिर कैसे निकाल सकते हैं, चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाली तो स्लोप सेम होगा, तो इससे हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप एम कितना हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन, राइट। तो 1 माइनस 2 अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो 13/2 - 2, तो ये कितना हो गया, -1/9/2, डेट इज माइनस में 2/9। अब आपको उस लाइन का इक्वेशन लिखना आता है, वाई माइनस वाई वन, वाई वन ध्यान दें माइनस वन है, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू स्लोप माइनस में 2/1 एक्स माइनस एक्स वन। अब अगर मुझे वाई इंटरसेप्ट निकालना होगा तो आप ही बताओ क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट निकालना होगा तो वाई इंटरसेप्ट पे ध्यान दो, एक्स जीरो होगा, तो एक्स जीरो पुट कर देंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, और वैसे ही एक्स इंटरसेप्ट निकालना होगा तो वाई जीरो पुट कर देंगे तो आपका ऑप्शन ही आएगा। तो ऐसे बेटा आपको सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको गिवन है, उस लाइन के इक्वेशन, और वर्टेक्स गिवन है, तो लेंथ ऑफ साइड। तो अगेन देख ध्यान से देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको मालूम है कि हर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, राइट। ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए, सारे साइड सेम होना चाहिए, ये बेसिक मालूम है। वर्टेक्स कहाँ पर, 1, 2 पे एक रफ डायग्राम बना दिया है, और ये जो लाइन की इक्वेशन है वो गिवन है, 2x - y - 1 = 0। तो क्या मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, वही वाला फॉर्मूला लगा करके, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस, तो यस ये आ जाएगा। अगर पी निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को इसमें पुट करोगे, 2 - 2 तो 0 हो जाएगा, ये -1, मॉड लेते हैं तो 1/√ इसका स्क्वायर और इसके कोफिशियंट का स्क्वायर, तो 4+1, तो ये कितना आ जाएगा, 1/√5, राइट। अब ध्यान से समझो, आपको ये मिल चुका है, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, मुझे ये पूरी लेंथ निकालनी है, राइट, यहाँ से यहाँ तक। तो ये लेंथ अगर x होगा तो मैं लगा सकता हूँ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/B, डैट इज P/x। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, P/tan 60 डिग्री, राइट। P कितना निकाल चुके हैं, 1/√5, और tan 60 कितना होता है, √3, राइट, तो इंटू में √3, तो ये कितना आ जाएगा, 1/√15। हमें इतना लेंथ अभी मिला है, राइट, और ये पूरा निकालना है तो 2 टाइम्स होगा, तो इसलिए टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, 2/√15, ऑप्शन बी। अगर सपोज करो बेटा कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कैसे सोचेंगे, ऐसे भी सोच सकते हैं कि बाकी जितने भी ऑप्शन हैं उसमें सारे रूट के अंडर में और यही अलग है, राइट, क्योंकि 2 में √ नहीं है, तो ऑड वन आउट ऐसा लगा सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, लेकिन कब, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, अदरवाइज सोचने का तरीका आपको बता दियो। क्वेश्चन नंबर 6 में एक लाइन ड्रॉ की गई है थ्रू द पॉइंट 1, 2 जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रही है पी क्यू पे, और एक ट्रायंगल बन रहा है ओ पी क्यू वेयर ओ इज द ओरिजिन। एरिया अगर उस ट्रायंगल का मिनिमम होना चाहिए तो स्लोप क्या होगा। तो अगेन सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, राइट। पॉइंट 1, 2 आपका यहाँ पर होगा, यहाँ से कोई लाइन पास कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, ये यहाँ यहाँ पे कट करेंगे, राइट, ये 1, 2 है। तो आपसे पूछा गया कि ये एरिया, ये हो गया, ये एरिया को मिनिमाइज करना है, तो स्लोप इस लाइन का क्या होगा। तो एक बात तो क्लियर है कि इस लाइन का स्लोप कैसा होने वाला है, नेगेटिव, राइट, ज़्यादा हो गया 90 से तो नेगेटिव होने वाला है, तो ये ऑप्शन दोनों गए, राइट। अब एरिया मिनिमाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये लाइन जितना वर्टिकल की तरफ जाएगी उतना अच्छा, राइट, ये 90 डिग्री इसकी तरफ, बट इसी पॉइंट से पास होना चाहिए, ध्यान रहे, राइट, तो क्लोज टू 90 डिग्री होगा बट 90 से ज़्यादा होगा, राइट। तो यू नो टेन 90 से ज़्यादा में, टेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा निगेटिव वैल्यू में होगा, तो ऐसा एक ऑप्शन है, डैट इज़ ए, क्योंकि ये तो -1/2 है, तो ये पहुँच गया, राइट, ऐसे कर सकते हैं। अगर और सोचना हो तो कैसे, इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं, ये लाइन कहाँ से जा रहा है, 1, 2 से, तो y - y1 स्लोप इस लाइन का अगर मैं मान लिया m, तो क्या हो जाएगा, x - x1, राइट, इस लाइन का क्वेश्चन आ गया। तो मैं इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, एक बार y को 0 पुट करके, एक बार x को 0 पुट करके, एरिया क्या हो जाएगा ट्रायंगल का, 1/2 × बेस ये वाला, राइट, अगर x, और ये वाला निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट से, तो x * y, और इसको क्या करना है, मिनिमाइज, तो एक बार क्या करना पड़ेगा, dA/dm = 0,
तो यहाँ से जो भी पॉइंट आएंगे राइट, फिर आपको डी टू ए बाई डी एम स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और जहाँ पे ये निगेटिव आएगा वो वाला पॉइंट से आप निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉपर मेथड हुआ, बट देखो ट्रिक से कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये तीन लाइन अगर कॉन्करेंट है तो समेशन ऑफ के वैल्यू बताना है। तो यू नो कॉन्करेंट है तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट इन से, तो क्या हो जाएगा के टू टू, इसका क्या हो जाएगा टू के थ्री, राइट। एक्स का एक्स के सामने, वाई का वाई के सामने, कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट के सामने, थ्री थ्री के, और इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो ओपन करने आता है राइट, तो क्या हो जाएगा के इंटू में, इधर में के स्क्वायर माइनस नाइन माइनस टू, ये कितना हो जाएगा राइट टू के माइनस में नाइन, और ये कितना हो जाएगा फिर टू टाइम्स ऑफ, ये कैंसिल हो गया राइट, तो ये सिक्स माइनस थ्री के इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा के क्यू माइनस नाइन के माइनस फोर के प्लस एटीन प्लस ट्वेल्व माइनस सिक्स के इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आ गया के क्यू माइनस नाइनटीन के प्लस थर्टी इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। अब यहाँ हीट एंड ट्रायल, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है राइट, तो यहाँ पे के इज इक्वल टू टू मुझे दिख रहा है, कैसे एट और थर्टी, थर्टी एट हो गया, नाइनटीन टू द थर्टी एट, तो के इज इक्वल टू टू इसका सोल्यूशन है। तो डैट मीन्स के माइनस टू से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, तो अदर दो रूट आएंगे, और वो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस टू के माइनस फिफ्टीन राइट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फाइनली इसको आप ऐसे लिख सकते हो के माइनस टू एंड के स्क्वायर प्लस टू के माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू ज़ीरो। एनी हाउ हमें एक रूट मालूम चल गया है कि कितना है टू, और दूसरा रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट। तो सम ऑफ रूट, ऐसा नहीं कि रूट निकालना है, सम ऑफ रूट निकालो। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो क्या हो जाएगा माइनस में टू बाई वन, डैट इज माइनस टू, क्योंकि हमें सब के की वैल्यू का सम करना है राइट। तो दोनों को सम करेंगे तो देखो टू माइनस टू कितना हो जाएगा जीरो, सो ऑप्शन विल बी ए। तो ऐसे बेटा आपको थिंक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कोऑर्डिनेट आपको बताना है उस पॉइंट का जो इस लाइन पे लाई कर रहा है और इस लाइन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर वो पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ऑप्शन चेक करो पहले, ऐसे थिंक करना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 2x माइनस वाई 5 आना चाहिए, तो ध्यान से देखो अगर ये किया और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो राइट ये 60 हो जाएगा, 2 इंटू 30 से 60, और ये प्लस 5 तो 65 बाय 11 नहीं कटेगा राइट, 55 होना चाहिए, 11 5 द 55 तभी 5 आएगा, ऐसे सोचना है तो राइट। तो इसमें भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये माइनस है, वो माइनस है, तो नेगेटिव हो जाएंगे। इसमें ध्यान से देखो 60 और माइनस 5 55 बाय 11, तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये नहीं होंगे, बस हो गया बेटा। तो ये ऑप्शन मैंने नहीं सेट किए, ये एग्जाम के जो क्वेश्चन सब हैं जो पूछे हैं वही हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सॉल्व करना है। सपोज करो सॉल्व ही करना होता सर तो कैसे करते, तो वेरी सिंपल, जो बोला है वो करो। कि एक पॉइंट इस लाइन पे है, तो मान लेते हैं पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन है राइट, तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो टू एक्स वन माइनस वाई वन इजकल टू फाइव, एक ही इक्वेशन होगी। दूसरा ये पॉइंट इस लाइन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पर राइट, तो इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स वन प्लस फोर वाई वन माइनस फाइव इसका मॉड डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ थ्री का स्क्वायर नाइन और फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, दिस शुड बी इक्वल टू वन। यहाँ से दो इक्वेशन दो अननोन फिर सॉल्व करो, तो इतना टाइम नहीं होता बेटा, यही इसी को बोलते हैं कन्वेंशनल अप्रोच। और हमने जो ऐसे थिंक करना बताया कि आप पुट करो और देखो कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है, डैट इज कॉल्ड अल्टरनेट अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस गिवन है, तो सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे विदाउट कैलकुलेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे और पॉइंट को लोकेट करो माइनस टू कॉमा थ्री राइट, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया माइनस टू कॉमा थ्री। दूसरा पॉइंट सिक्स कॉमा वन, यहाँ पे आ जाएगा राइट सिक्स कॉमा वन, ये पॉइंट आ गया, और 4.3 राइट 4.3 यहाँ पे पॉइंट आ चुका है। अब इन तीनों का मैच कर दें तो ये आपका बन चुका है वो ट्रायंगल राइट। अब सर्कम सेंटर का क्या मतलब है, एक ऐसा सर्कल जो आपका इन तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा हो,
तो आप देखो डायग्राम ड्रॉ करते एक बात क्लियर हो चुका है कि मेरा जो सेंटर आने वाला है, ध्यान से देखो, सर्कल का जो सेंटर होगा वो डेफिनेटली कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो ध्यान से देखो, ये नहीं होगा एक्स पॉजिटिव, ये नहीं होगा एक्स पॉजिटिव, ये भी नहीं होगा एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये होगा देखो विदाउट कैलकुलेशन। तो बेटा आपको भी ऐसे थिंक करना पड़ेगा, ऐसे सर से पढ़ना पड़ेगा जो इस तरीके से आपको सोचना बताए, राइट। इसलिए इंडिया में कोचिंग तो बहुत सारे हैं लेकिन सब आपको इस तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं। तो जो सर ऐसे पढ़ाते हैं वहाँ अप्रोच कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ए एंड बी आर इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, और एक कंडीशन गिवन है कि 3a इक्वल टू b होना चाहिए और पासेस थ्रू 1,3, राइट। तो अगर ऑप्शन से जाएंगे तो 1,3 सबको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो वो कोई बात नहीं है। अब 3a इक्वल टू b होना चाहिए, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन रही है क्योंकि 3 6 है, इस वजह से मैं चेक कर रहा हूँ, राइट। और चूँकि इंटरसेप्ट है तो एक बार x को अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, y 6, और एक बार y को 0 पुट किया तो x कितना आ जाएगा, 2, और इसी में ही 3 टाइम्स रिलेशन है। देख लो कि 3a इज इक्वल टू b होना चाहिए, तो हो रहा है, राइट। कैसे कि 3 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू b हो रहा है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे चेक करना है। बाकी ऑप्शन को क्यों नहीं चेक किया सर आपने, क्योंकि यहाँ पे बेटा 10/3 समथिंग फ्रैक्शन में आता, राइट। यहाँ पे भी 8/3 फ्रैक्शन में आता, यहाँ पे भी 3/2 फ्रैक्शन में आता, समथिंग फ्रैक्शन में आता, राइट। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन वाला चीज़ है नहीं, और निगेटिव पॉजिटिव भी आ सकते थे, तो इस तरीके से थिंक करना होगा। तो आई होप मैंने ये 10 क्वेश्चन लेकर के आपको थिंक करने का पूरा आइडिया बताया। ये सारे क्वेश्चन बेटा किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, अगर आप इस तरीके से थिंक करना शुरू कर दिए तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू।